जनपद संभल के चंदौसी में पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली। जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार वृद्धि हो रही है उसको लेकर भाजपा की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। इसी को लेकर जनपद संभल के चंदौसी में आज समाजवादी पार्टी के नेता सुभाष कुमार वाल्मीकि के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक साइकिल रैली निकालकर लगातार बढ़ रही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि को लेकर साइकिल रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस विषय में सपा नेता सुभाष कुमार वाल्मीकि ने कहा कि जिस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हो रही है उससे मध्यवर्गीय एवं गरीब परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। आसमान छूती कीमतों की वजह से आम आदमी से पेट्रोल डीजल दूर होता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं कि बैलगाड़ियों पर साइकिलों पर हम लोग सफर करें। हमारी मांग है कि जब रात के 12 बजे GST का जश्न प्रधानमंत्री मनवा सकते हैं तो पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। वो पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाएं जिससे कि पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर आम पब्लिक की पहुंच में हो सके। और महंगाई थोड़ी रैली कहां से कहां तक निकाली है? मैंने अपने निवास से बदाई चुंगी होते हुए फाटक पर, फाटक से सीधा माल गोदाम रोड, स्टेशन रोड, मालवीय चौक, संभल गेट और खुर्जा गेट होते हुए कैथल गेट और ब्रह्म बाजार होते हुए घंटाघर से यहाँ सब अपने। अच्छा, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो क्या संदेश देंगे जनता को? मैं यही संदेश दूंगा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिन्होंने पिछले 5 साल में इतना कार्य किया कि ये सरकार पूरे 5 साल उनके कार्यों का लेकर फीता ही काटती रही है। इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो इनकी कोई उपयोगिता रही हो, क्योंकि जितने भी कार्य उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय में हुए हैं वो वही कार्य इन्होंने फीते काटे हैं।